मिश्रा, आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिट न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। पंचायत चुनाव के 7वें चरण में जिले के मीनापुर और कांटी प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच सम्पन्न हुआ मतदान। जिला पुलिस की विशेष टीम ने एक स्प्रिट माफिया सहित 5 कारोबारी को किया गिरफ्तार, पूछताछ शुरू। और LS कॉलेज मैदान में 3 दिनों तक चलने वाले 87वीं बिहार राज्य जूनियर एवं सीनियर एथलीट चैंपियनशिप हुआ शुरू। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव के 7वें चरण में जिले के मीनापुर और कांटी प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। कुछ जगहों पर देर शाम तक मतदान जारी रहा। जिले के 2 प्रखंड मीनापुर और कांटी में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सुबह 6 बजे से ही मतदाताओं की कतार लग गई। यहाँ भी आधी आबादी की भागीदारी दिख रही थी। जिले में अब तक हुए चुनाव में महिला मतदाताओं ने अहम भूमिका निभाई है। इस बार भी कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिला। कांटी और मीनापुर के 46 पंचायतों में मतदान हुआ। मीनापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, इसीलिए यहां पर 3 बजे तक और कांटी में 5 बजे तक मतदान हुआ। मीनापुर के 26 पंचायतों के 378 बूथों पर मतदान हुआ। वहीं कांटी के 20 पंचायतों में शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। दोनों प्रखंडों में विभिन्न पदों पर 5,889 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। सोमवार को इसकी किस्मत का फैसला EVM में बंद हो गया, जिसका परिणाम 17 को सामने आएगा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। DM SSP ने रविवार को क्षेत्र भ्रमण कर अधिकारियों को निर्देश दिया था। संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया था। इसके साथ ही समाहरणालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही कांटी और मीनापुर प्रखंड मुख्यालय में भी एक एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। अभी तक तो इलेक्शन की प्रक्रिया जहां तक खबर मिली है सारी पीसफुल चल रही है। हमने बहुत सारी छोटी छोटी टीमें बना ली हैं जो कि और बूथ टू बूथ मैपिंग कर दी है, तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है हमारा, तो उस कारण से सारी जगह प्रक्रिया बढ़िया चल रही है और कहीं कोई इस तरह का अभी तक घटना ऐसे कोई घटने की खबर नहीं मिली है जिसमें कोई दिक्कत हो। जी जी, अभी तक सब पीसफुली चल रही है। चुनाव को लेकर हम लोगों ने बूथ टू बूथ होमवर्क किया है। हर एक बूथ पे हम लोगों ने जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित किया है और उनके विरुद्ध जो निरोधात्मक कार्रवाई है, प्रिवेंटिव एक्शन है, वो हम लोगों ने लिया है। फिलहाल मतदान की प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। किसी को हिरासत में भी रखा जाए? जहाँ जहाँ भी अगर कहीं भी इस किस्म की गतिविधि हुई है, अगर असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ प्रयास किया गया, उनको उनके विरुद्ध जो है प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। LS कॉलेज में 3 दिनों तक चलने वाले 87वीं बिहार राज्य जूनियर एवं सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप आज से शुरू हुआ। 87वीं बिहार राज्य जूनियर एवं सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज सोमवार को LS कॉलेज मैदान में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले इस चैंपियनशिप का उद्घाटन बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने दीप प्रज्वलित करके किया। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 38 जिलों के करीब 2000 एथलीट शामिल हुए। जूनियर व सीनियर कैटेगरी में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे पहले बॉयज अंडर 14 कैटेगरी में 600 मीटर का फाइनल, बॉयज अंडर 16 कैटेगरी में शॉर्ट पुट फाइनल और गर्ल्स अंडर 16 के लिए जेवलिन थ्रो का फाइनल मैच संपन्न हुआ। वहीं बॉयज अंडर 14 कैटेगरी में हाई जंप के लिए फाइनल मैच हुए। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताएं का भी आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में कुल 146 इवेंट्स होंगे। राज्य जूनियर एवं सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। जिला पुलिस की विशेष टीम ने मीनापुर इलाके में एक स्प्रिट माफिया सहित 5 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में कई अन्य तस्कर का नाम सामने आया है। जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक तरफ पुलिस पर जहरीली शराब को लेकर सवाल उठ रहे थे, इसके बाद पुलिस ने एक्शन में आते हुए बड़ी कार्रवाई की। दरअसल जिला पुलिस की विशेष टीम ने मीनापुर थाना क्षेत्र से 4 स्प्रिट तस्करों को गिरफ्तार किया।
जिनके निशानदेही पर एक बड़े स्प्रिट माफिया को मधुबनी जिले के झंझारपुर से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम कमलेश राय है। इसकी पुष्टि डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने की। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि पुलिस ने 4 स्प्रिट तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में मधुबनी जिले में छापेमारी कर एक बड़े स्प्रिट माफिया को धर दबोचा है। अवैध शराब के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान किया जा रहा था, इस क्रम में कुछ स्प्रिट तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। मीनापुर थाना क्षेत्र से 4 स्प्रिट तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और इनका जो कन्फेशन था उसके आधार पर जो मेन सप्लायर इनके हैं वो मधुबनी के झंझारपुर के कमलेश राय, उनकी भी गिरफ्तारी इंश्योर किया गया है। मधुबनी के झंझारपुर से इनकी अरेस्टिंग हुई है। कुल पांच गिरफ्तारियां हुई हैं, बड़ी मात्रा में जो अवैध शराब, स्पिरिट, रैपर, बॉटल्स, इन सारी चीजों को बरामद किया गया है। इनका इंटरस्टेट कनेक्शन वगैरह? जी बिल्कुल, हम लोग हर चीज खंगाल रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जिनके सिंडिकेट के जो भी लोग पार्टनर्स हैं वो टेक्निकल डेटा, मैनुअल डेटा के आधार पर हम लोग इनकी कुंडली खंगाल रहे हैं और जो भी इन्वॉल्व पीपल हैं इसमें उन सबकी अरेस्टिंग हम लोग इंश्योर करेंगे। लंबा चौड़ा इनका है। रामबाबू सहनी जो इनके सिंडिकेट के सरगना भी हैं वो फिलहाल जेल में हैं और उनका पुत्र सिकंदर सहनी, उनको हम लोग उनकी अरेस्टिंग के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इन सब का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। ये बड़ा स्प्रिट माफिया जो है उसका क्या इंटर डिस्ट्रिक्ट है, इंटर स्टेट कनेक्शन है? जी बिल्कुल, इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन है वो यहाँ पे मीनापुर, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के जो स्प्रिट तस्कर है उनके सप्लायर वहीं हैं, तो डेफिनेटली इनका इंटर डिस्ट्रिक्ट ये सप्लायर हैं और इनके विरुद्ध जो भी मामले दर्ज हैं उन सबको हम लोग देख रहे हैं और आगे भी जो इनके सिंडिकेट के लोग हैं उन सब के अरेस्टिंग के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक चोरों का दहशत जारी है। बीती रात चोरों ने मनियारी थाना चित्रौली गांव में एक घर को निशाना बनाते हुए नगदी समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। जिले में चोरों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद चोरी की घटना प्रतिदिन घट रही है। लगातार चोरों द्वारा बंद घर और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बार चोरों ने मनियारी थाना क्षेत्र के चित्रौली गांव में संतोष कुमार उर्फ पप्पू ठाकुर के घर को टारगेट किया। देर रात पीछे के रास्ते से शातिर घर में घुस गए। जिस 2 कमरों में संतोष और उनके परिवार के लोग सोए हुए थे उसके दरवाजे को बाहर से हैंडल लगाकर बंद कर दिया। इसके बाद गमछा से बांध दिया, फिर दूसरे कमरे में जाकर आराम से 6 बक्सा और पेटी का ताला तोड़ा। इसमें रखे 20,000 कैश, जेवरात, कीमती कपड़े समेत 5,00,000 से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। फिर पूरा सामान लेकर चोर आसानी से पीछे के रास्ते से भाग निकले। सुबह जब सोकर उठे और दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो बंद था। इसके बाद कमरे से एक दूसरे दरवाजे के सहारे बाहर निकले, देखा कि बाहर से 2 कमरों को बंद कर दिया गया है, इस पर गमछा भी बांधा हुआ था। ये देखकर कुछ देर के लिए तो होश उड़ गए, फिर अन्य कमरों में जाकर देखा तो पाया कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। 4:30-5 के बीच में जोर से बोलिए जी, छोटा भाई हमें फोन किया 4:30-5 के बीच में, मेरा किवाड़ी बंद है खोल दो। तो हम पूछे कि कैसे लगा, तो बोला कि पता ना। तो जब हम आए ना तो मेरा भी किवाड़ी लॉक था। तो उसके बाद से हम पीछे से अनुभव हमें हो गया कि यहाँ लग रहा है कुछ हुआ है। उसके बाद हम बरांडापुर वाला गेट से खोल के हम पीछे वाला किवाड़ी खुला हुआ था। उसके बाद तीनों घर का सामान बिखरा हुआ था। उसके बाद हम भैया को फ़ोन किया, सब शादी में गए हुए थे और लगभग 5,00,000 के गहना प्लस 20,000 रुपया वो सब। उसके बाद भैया फ़ोन किया तो भैया भी आए, तो सब आए। तो फिर जी सर 20,00,000 का 5,00,000 का जेवर जो घर में रखे हुए थे, क्यों रखे हुए थे, क्या कारण थी? शादी, भतीजी के शादी के लिए रखे हुए थे। भतीजी के साथ बर्तन उर्तन 5 पेटी, 3 सूटकेस, 2 पेटी भी उठा के लेते। नालंदा सैनिक स्कूल में प्रथम महिला मिलिट्री के मेंटोर तथा पीटीआई के पद पर नियुक्त होने के उपलक्ष्य पर एमडीडीएम कॉलेज में समारोह का आयोजन किया गया। शहर के एमडीडीएम कॉलेज की मेधावी छात्रा प्रिया श्रीनी प्रथम महिला मिलिट्री के मेंटोर तथा पीटीआई के पद पर नालंदा सैनिक स्कूल में पद ग्रहण कर छात्रों के लिए एक मिसाल कायम किया है। प्रिया श्री मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के फाइनल ईयर की छात्रा है। उन्होंने प्रथम महिला मिलिट्री के मेंटोर तथा पीटीआई के पद पर नालंदा सैनिक स्कूल में पद ग्रहण किया। इस अवसर पर सोमवार को एमडीडीएम कॉलेज परिसर में प्रियाश्री का भव्य स्वागत समारोह मनाया गया।
वहीं मौके पर मनोविज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर शकीला आजिम ने बताया कि प्रियाश्री एक मेधावी छात्रा रही है, साथ ही स्पोर्ट में उनकी गहरी रुचि रही, बेहतरीन धाविका, वॉलीबॉल की अच्छी खिलाड़ी रही। आज प्रियाश्री को इस पद पर देखकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इस बच्ची ने परिवार तथा कॉलेज का नाम रोशन किया, साथ ही अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मेरे गोद में पला हुआ एक बच्चा इंडिया का पहला मिलिट्री विंग, वुमन मिलिट्री विंग का PTI और मेंटर बना, और बहुत ही छोटी उम्र से ये मेरे साथ है। ऑनर्स साइकोलॉजी से किया इसने एंड आई एम प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स की बहुत ही एक्टिव मेंबर रही और एथलेटिक्स में तो इसका जवाब ही नहीं है, और उसी आधार पर इसने इस अचीवमेंट को लिया और आज इस कॉलेज को, यहाँ के इस आंगन को गर्वान्वित किया। इसको फर्स्ट टाइम NDA की तैयारी के लिए बुलाया गया है, 10% आरक्षण मिला है, जहाँ पे 10 गर्ल्स आई हैं। सभी 3300 सैनिक स्कूल में 10-10 गर्ल्स को लिया गया है। वो 10 गर्ल्स NDA ऑफिसर बन के वहाँ से निकलेगी सैनिक स्कूल से, तो उनको ट्रेन करने के लिए रखा गया है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में UA एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैक बेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन BV कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में है। टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयर फोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग, और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फाइनेंस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फाइनेंस करती है, एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जिस मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट
दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिली। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर यह सुविधा अभी भी नहीं है, ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। शाहू पोखर स्थित फलहारी बाबा मठ में कार्तिक एकादशी तिथि देवोत्थान एकादशी धूमधाम से मनाया गया है। शाहू पोखर स्थित फलहारी बाबा मठ में सोमवार को कार्तिक एकादशी तिथि देवोत्थान एकादशी धूमधाम से मनाया गया। महंत पवन दास ने भगवान विष्णु को विधि विधान से स्नान ध्यान करा, वस्त्र भोग पूजन के उपरांत चौकी पर विराजमान भगवान विष्णु को चार बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र के साथ उठाया गया। उसके बाद आरती की गई। महंत पवन दास ने बताया कि अषाढ़ हरिशयन एकादशी के भगवान विष्णु शयन पर चले जाते हैं और आज के दिन चार महीने बाद उठते हैं और सारे मांगलिक कार्य विवाह जनेऊ गृह प्रवेश आदि प्रारंभ हो जाएंगे। हर साल हमारे यहाँ देवोत्थान एकादशी के अवसर पर यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, साथ साथ यहाँ पर जो भी फल फूल भगवान का क्या कहते हैं, और आज के दिन से ही एकादशी देवोत्थान एकादशी के बाद से हिंदू के जो भी महत्वपूर्ण पर्व है उसका शुरुआत हो जाता है। हमारा तो यही कहना है, विशेष और हम क्या बोलेंगे। मिठनपुरा स्थित निराला निकेतन में 1971 ईस्वी में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखित पुस्तक का लोकार्पण प्रमंडलीय आयुक्त मिहिर कुमार ने किया। 1971 ईस्वी में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखित पुस्तक का लोकार्पण सोमवार को मिठनपुरा स्थित निराला निकेतन में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मिहिर कुमार ने किया। मौके पर शहर के कई गणमान्य उपस्थित हुए। निराला के पत्र पुस्तक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के जीवन और उनकी कार्यशैली पर आधारित है। यह पुस्तक का विमोचन 1971 में हुआ था। पुस्तक का लोकार्पण था, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की लिखी हुई पत्रिका है, 71 में इसका हुआ है और फिर दूसरा बार ये प्रिंट निकला है तो इसका लोकार्पण हुआ है। आज कमिश्नर श्री तिरहुत कमिश्नर मिहिर कुमार जी किए हैं लोकार्पण, और एक भावादित पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ है, और शिव महिमा ये भी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। लेखक और कौन कौन था? लेखक थे निराला के पत्र में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, और भावादित पुस्तक के थे आपको नागेंद्रनाथ ओझा संपादक थे, और शिव महिमा के केदारनाथ प्रसाद पूर्व विधायक ये थे। जिले में देवोत्थान एकादशी के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। जिले में देवोत्थान एकादशी के अवसर पर सोमवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धालुओं ने तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया। देवोत्थान एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इस दिन चार मास योग निद्रा के बाद सृष्टि के पालनहार उठते हैं, इसके बाद वह सृष्टि संचालन का कार्य प्रारंभ करते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन से सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर मंदिरों और घरों में तुलसी और शालिग्राम की कथाएं सुनाई गई। वहीं पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि देव उठनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम संघ माता तुलसी का विधि विधान से विवाह संपन्न किया जाता है। आप जानते हैं कि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। चार महीने के बाद भगवान विष्णु क्षीर सागर से आज के दिन में ही जगते हैं, इसलिए तुलसी और शालिग्राम की विवाह कराने से हर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, एवं आज के दिन हर घर श्री सत्यनारायण पूजन तथा ब्राह्मण द्वारा सब किया जाता है, इसे विशेष प्राप्ति होती है, एवं आज ही के दिन से मांगलिक सभी शुभ कार्य संपन्न हो कराए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।